अवैध लोहे के पाइप से लदे दो ओमानी वैन वाहन को टेनुघाट पुलिस ने किए जब्त। बोकारो जिला के अंतर्गत टेनुघाट ओपी क्षेत्र के छापरगरा एवं घरवा टांड के बीच सड़क से अवैध लोहे के पाइप से लदे दो ओमानी वैन वाहन को टेनुघाट ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने बुधवार को जब्त किया। टेनुघाट ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, बुधवार की अहले सुबह सूचना मिली कि छापागारा एवं घरवा टांड के बीच ग्रामीणों के पेयजल की सुविधा के लिए पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। इसी पाइप को चोरी के द्वारा अवैध तरीके से काटा जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर जब हम लोग पहुँचे तो पाइप से लदे हुए दो ओमानी वैन वाहन को भागते हुए देखा। पीछा करने पर बीच जंगल में वाहन को छोड़कर चालक भाग निकला। उक्त वाहन को टेनुघाट ओपी लाया गया एवं मामला को दर्ज किया गया। आपको लगभग 3 बजे मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ पानी टंकी बनाया जा रहा है, ये छपरगढ़ा बस्ती और घरवा टाण के बीच में वहाँ का जो पाइप आया है, जो पाइप लाइन बिछाने के लिए, उस पाइप को काट रहे हैं। तो उसी सूचना के सत्यापन हेतु हम थाना से प्रस्थान किए और जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे दो मिनी वैन है, ये ओमनी वैन है, दोनों भाग रही है लोड करके। तो हम जब पीछा किए तो दोनों रोक करके और दोनों ड्राइवर है तो जंगल में फिरार हो गया, वहाँ से दोनों गाड़ी को। हमारे संवाददाता तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट, झारखंड से।